साल के 365 डेज को हम अपनी बातों में कितने अच्छे से समेट लेते हैं और उसको एक कहानी का रूप दे देते हैं। तो इसके पीछे क्या आर्ट होती है, क्या रेसिपी होती है, हम आज जानेंगे। नमस्कार आप सभी का, और मैं दियासा इस सेरेमनी की होस्ट, अपने को होस्ट और पूरी सरकारी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आप सभी को अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने में आप सभी की अनुमति चाहती हूँ। स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ दैट हेल्प इन टू पुट योर आइडियाज वर्ल्ड एंड पुट देयर टू लिसन द स्टोरी एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्टोरीज। स्टोरी एक ऐसी आजीवित वस्तु है जो किसी भी चीज में ना जाने कैसी जान डाल देती है कि वो उसके organization. sarkarischool.in is the initiative that is brought by we citizens, the we foundation citizens, to build the platform for those in working in the field of education. We the citizens are come together to rebuild the government school system with a creative, positive and constructive approach. For here I would tell you about that कहानी एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के भावों को उनके शब्दों से हम समझ पाते हैं। अंडर अवर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स, दैट इज प्रोजेक्ट गुड़िया, प्रोजेक्ट संबल, प्रोजेक्ट आरोग्य, प्रोजेक्ट वेदना, प्रोजेक्ट प्रेरणा एंड एक्सेट्रा। विद दिस आई हियर इनवाइट द टीम लीड ऑफ प्रोजेक्ट कहानी कोच रिया सिंह टू टेल अस अबाउट व्हाट इज कहानी कोच। थैंक यू दियासा। रस्किन बॉन्ड्स की कहानियां तो सबने सुनी होंगी, कुछ ने तो बस सुनी और कुछ ने उन्हें सुनकर दुनिया को एक नए रस्किन बॉन्ड से इंट्रोड्यूस कराया, और न जाने हमारे देश में कितने रस्किन बॉन्ड्स छुपे हुए हैं। हम उन्हीं रस्किन बॉन्ड को बाहर लाना चाहते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, आई रिया सिंह, टीम लीड ऑफ कहानी कोच, वेलकम यू ऑल इन दिस वर्कशॉप एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। कहानी कोच इज बेसिकली फॉर चिल्ड्रन, इनकरेजिंग देम टू कल्टिवेट एंड राइट, इन्वॉल्विंग मोरल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम यही करना चाहते हैं ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू, कि बच्चे सही चीजें सीखें। आज की फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ में उन्हें सही गलत का पता नहीं होता। हम कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर की तरफ, जिसे बहुत पहले छोड़ आए हैं, उससे फिर लाना चाहते हैं, सो दैट वी कुड लीड टू अ न्यू होराइज़न। नाउ आई हैंड ओवर टू कोमल टू इंट्रोड्यूस अबाउट आवर गेस्ट स्पीकर मिस दीप्ति मैम। थैंक यू। She is a professional storyteller. She is award-winning writer because she has been writing since a young age. She is also a published writer and wrote various poetries in various anthologies. She is none other than Ms. Deepti Agarwal ma'am. I would like to call upon Ms. Deepti Agarwal ma'am. She is a chief guest for today. Ma'am, please continue with your workshop. Thank you, Devyasa. Thank you, Ria. Thank you. Thank you very much for asking me for this workshop. मैं इस वक्त दो बुक्स लिख चुकी हूँ। मैं सिर्फ एंथोलॉजीज में ही नहीं किया है, मैंने दो बुक्स पब्लिश भी करी हैं अभी रिसेंटली। सो आई एम ऑथर नाउ एंड आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ ब्लॉगर, एज यू ऑल नो। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम, यस मैम। ओके, सो अभी
दियासा ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली कि कहानियां क्या होती हैं, कहानियां वो होती हैं जो हमको एक कनेक्ट दिलाती हैं, राइट। तो ये बहुत सही बात है, कहानियां इसीलिए कही जाती हैं कि एक वो कनेक्ट हमारे साथ बीच में बनना चाहिए। बिकॉज एक इरा ग्लास एक है जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बहुत प्यारी सी बात बोली है कि ग्रेट स्टोरीज हैपन टू दोज हु कैन टेल देम। तो कहानियां कहने का अलग अंदाज होता है और कहानियां पढ़ने का तो हम जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको कहने का एक अलग अंदाज होता है। तो हमें स्टोरी टेलिंग आखिर होती क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि स्टोरी टेलिंग क्या होती है। क्या वैसे तो स्टोरीज हमारे आसपास हर जगह हमें दिखाई देती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ कहानी हम लोग बुन रहे होते हैं, हमारे आसपास बुन रहे होते हैं, लेकिन उन कहानियों को हम कहानियों की तरह कैसे लेकर आते हैं वो स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज होती है कि जिस कहानी को हम एक इमोशनल कनेक्ट देते हैं और हम जिसको कहते हैं कि हम रिलेटेबल बनाते हैं। जब तक हमारा सुनने वाले इंसान को वो रिलेटेबल नहीं लगती, वो कहानी से एक जुड़ाव महसूस नहीं होता, तब तक वो कहानी उसको टच नहीं करती। क्योंकि कहानियां बहुत तरीके से आजकल दिखने को मिलती हैं, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट को कह लीजिए कि या फेसबुक पोस्ट को कह लीजिए, एडवर्टीजमेंट को कह लीजिए, मूवीज हो गई, स्टोरीज हो गई, बुक्स हो गई, बहुत तरीके की कहानियां हमें आसपास दिखाई देती हैं। पर कौन सी कहानी होती है जो हमें अच्छी लगती है? वही कहानी जो हमें टच करती है, हम उस कहानी को कहते हैं कि वो कहानी बहुत अच्छी है। तो कहानियां एक तरीके से बहती हुई ये कह सकते हैं नदी की तरह होती हैं, कि उनका बहाव जैसे जैसे जाता जाता है हम उस कहानी में उसी तरीके से घूमते हुए उस कहानी का आनंद लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई स्टोरी टेलिंग के बारे में। अब हम ये कहा जाता है कि हमें स्टोरी कहनी क्यों चाहिए, क्या कोई बता सकता है क्यों कहनी चाहिए हमें कहानियां? एनीबॉडी? मैम क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए समझना, और लाइक कहानियों को लोग अपनी लाइफ से डायरेक्टली इंटर रिलेट कर लेते हैं, इसलिए वो कहानियां प्रेफर करते हैं सुनना भी और समझना भी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही शिवांशु आपने कि कहानियों से हम देखिए कहानियों के बहुत सारे रीजन होते हैं कहने के। एंटरटेनमेंट हो सकता है, आप उसको कोई मैसेज देने के लिए कह सकते हैं, और या कोई भी एक ऐसी बात जो लोग समझ नहीं रहे हैं तो हम उसे कहानी के जरिए बताते हैं और लोग उसको समझना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहानियों का कहने का ये बहुत बड़ा रीजन है कि कहानियां हमेशा अच्छे से कहनी चाहिए और बिल्कुल रिलेट करनी चाहिए, और जो भी रीजन हो वो रीजन बिल्कुल सही से उस कहानी से पोर्ट्रे होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अपने अगर हम पीछे जाते हैं अपने बिल्कुल पूर्वजों से पीछे, जब ह्यूमन काइंड वो बस इवॉल्व हो रहा था, तो कहानियां शायद तब से हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पर जब रात में सारे लोग उस फायर के आसपास बैठते थे तो क्या करते होंगे, अपना जो खाना इकट्ठा करा, खाना खाया और कहानियां सुनाते थे, शायद यही करते होंगे ना। तभी तो वो कहानियां हमें बहुत पुराने अगर देखी जाए तो हमें किस फॉर्म में मिलती हैं, केव आर्ट के फॉर्म में मिलती हैं, उनकी पॉटरीज में मिलती हैं, और इसी तरीके से पता चलता है कि उस जमाने में भी कहानियों का चलन बहुत था। जैसे कि एक किस्सा याद आता है कि मुझे हम लोग गुजरात ट्रिप पर गए थे और वहां से हम लोग पहुंचे थे लोथल। लोथल एक एंशंट पोर्ट है, हुआ करता था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर शायद सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था। वहां के एक म्यूजियम में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी। वहां पर एक छोटा सा पॉटरी का पीस था, उस पीस पर आर्टवर्क हो रहा था, और जानते हैं वो आर्टवर्क क्या था? वो आर्टवर्क था थर्सी क्रो की ड्रॉइंग, एक कौवा था और साथ में उसकी मटकी थी जिसके अंदर पानी बहुत क्लियरली विजिबल था। तो आप जान सकते हैं कि जो कहानियां आज भी हम लोगों को छूती हैं वो कहानियां कितनी पुरानी हैं और कब से चली आ रही हैं। तो
इसीलिए कहा जाता है कि कहानियां, और कहानियों से एक बहुत ही अच्छी बात है, एक एंशियंट अमेरिकन प्रोवर्ब है जो कहता है कि टेल मी अ फैक्ट एंड आई विल बिलीव, टेल मी अ ट्रूथ आई विल लर्न, बट टेल मी अ स्टोरी एंड इट इज गोइंग टू लिव इन टू माई हार्ट फॉर एवर। तो कहानियाँ जो है कि वो हमारे एक बार सुनने के बाद वो हमारे जहन में हमेशा रहती हैं, जैसे कि हमारी पुरानी कहानियाँ जैसे कि थर्ड सीको हो गई, रैबिट एंड टॉटोइज हो गई, सीरीज ही सिंपल सी पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, सारी की सारी आज भी हमें बिल्कुल अच्छे से याद हैं और याद आगे भी रहती हैं। अभी तक किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या किसी के पास कोई सवाल है? हेलो मैम, दिस इज करिश्मा। यस मैम, स्टार्टिंग कर पाए मैम, जैसे हम देखते हैं कि पंचतंत्र बहुत बहुत पुरानी स्टोरी है, क्वाइट एन एंशिएंट। आई एम सॉरी, आई एम नॉट, आर यू नॉट क्लियरली ऑडिबल, थोड़ा जोर से बोलो। सॉरी मैम, नाउ मैम, या टेल मी। सो मैम, एस वी सी पंचतंत्र बहुत पुरानी स्टोरीज है, लेकिन आज भी इतनी लाइव है, हम उनमें जब भी पढ़ते हैं, किसी भी एज में पढ़ते हैं, हम इनमें जी सकते हैं। सो हाउ टू राइट स्टोरीज लाइक दीज, आप कभी भी अगर उन्हें उठा के देख लो, आज के 20 साल बाद, तो यू कैन फील कि हाँ ये है कोई स्टोरी। बिल्कुल, उसके लिए आपको मैं स्टोरीज कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन इस तरह की कहानियां कैसे लिखते हैं, ये कहानियां एक्चुअली क्या हुआ है, ये ग्रो हुई है वक्त के साथ साथ, सुनते 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 आगे बढ़ते बढ़ते ये हम लोगों के अंदर, ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में चली गई हैं वो कहानियां, वो ग्रो करी हैं, क्योंकि बचपन से उन कहानियों को हम लगातार बार बार हमने सुनी, दूसरों को सुनाई, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज जब हमने दी, इसी वजह से वो कहानी आज भी हम लोगों के जहन में इतनी ज्यादा अच्छे से वो सेट हो चुकी हैं कि कोई नाम लेता है और चट कर सब उस कहानी हमारे, उसका मॉरल, एक्चुअली उस कहानी का मॉरल हमारे दिमाग में यूं कर निकल कर आ जाता है। तो कहानियां ऐसा नहीं कह सकते कि वो कहानियां ऐसी हैं कि वो हमें याद हैं लेकिन आज की कहानी हमें याद रहेगी, ऐसा नहीं है। आज की कहानी भी अगर बहुत अच्छा वैल्यू देती है, एक अच्छा मॉरल देती है, और वो कहानी बार बार लगातार जब वो कही जाती है तो वो सबके दिमाग में सेट होती जाती है। तो आज भी हम वो कहानियाँ उसी तरीके से लिख सकते हैं, पर हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे पुरानी कहानियाँ देखें तो छोटी होती थी लेकिन फिर भी कितना कुछ कह लेती थी। जस्ट मोमेंट, तो छोटी होने के बावजूद भी वो अपनी सारी बात को इतने अच्छे से कहती थी। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि कहानी जब बहुत बड़ी होगी हम तभी उसको इतना इम्पैक्टफुल बना पाएंगे, छोटी कहानियां भी इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, बस हमें अपना मैसेज को क्लियर रखना पड़ता है। तो जब हम अपने मैसेज को और वैल्यू को क्लियर रखेंगे तो वो कहानी अपने आप ही इम्पैक्टफुल होगी। गॉट इट? आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन कनिका। ओके, तो अब हम चलते हैं कहानी के स्ट्रक्चर की ओर, कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर कहानी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई भी कहानी का कहा जाता है कि होना चाहिए जिससे कि वो कहानी कंप्लीट लगे अपने आप में, पर ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर को फॉलो किया ही जाता है। कुछ कहानियां उस स्ट्रक्चर से हटकर भी होती हैं लेकिन वो एक बहुत छोटी सी तादाद होती है। जनरली एक कहानी का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक बिगिनिंग होती है, उसके अंदर एक मिडल होता है और उसके बाद उसके अंदर एक उसका एंड होता है। तो जरूरी होता है कि हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें जिससे वो कहानी उतनी ही इम्पैक्टफुल बन जाती है। तो यही एक एक्ट स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है किसी भी कहानी का, जो बेस होता है कहानी का, बहुत जरूरी होता है समझना कि हमने उसकी शुरुआत कैसे करी। शुरुआत के अंदर, बिगिनिंग के अंदर ही सारे कैरेक्टर्स, टाइम, प्लेस, ये सारी चीजें उस बिगिनिंग के अंदर आ जानी चाहिए, आ जाती हैं।
और फिर जो उसका मिडिल पार्ट होता है देखनी हुई, फिर जो मिडिल आया वो मिडिल के अंदर एक्चुअली सारा ड्रामा होता है, सारा ड्रामा पूरा जितना भी हो सकता है उन सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर सारा ड्रामा होता है। और फिर उस कहानी उस मिडिल पार्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है जो भी स्टोरी का, उसमें उसको ऐसा लगता है कि अब यहाँ से वापस लौटने का भी कोई रास्ता नहीं है और आगे जाने का भी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि ये कहानी है इसके अंदर आगे तो जाना ही है, तो आगे जाना ही है तो उसके अंदर आगे जाने का रास्ता जो ढूंढा जाता है, जो होता है वो जाकर उसका एंड बनाता है, उसको कंक्लूड करता है उस स्टोरी को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर देखते हैं रामायण की कहानी, शायद सभी को पता होगी। इसके अंदर हम इसका बिगिनिंग मिडिल और एंड ढूंढना चाहें तो उसका मैं मोटे मोटे तौर पर ये कह सकती हूँ कि जो उसकी बिगिनिंग है उसके अंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन सब का ये आ जाता है कि उनका शिक्षा कैसे हुई, वो कहाँ पर पढ़े कैसे कैसे पैदा हुए, कैसे पढ़ने गए, कैसे बड़े हुए, और फिर उन्होंने सीता जी से कैसे मिले और सीता जी से उनका विवाह हुआ। हाँ, होने के बाद वो वापस तिलक होने की तैयारी हुई और उस तैयारी के दौरान ही उनको माता के कई के वचनों को पालन करने का वक्त आया, जहाँ पर यहाँ पर भी बिगिनिंग सेट हुई कि अब उनको वन जाना है, 14 साल का वन, ये पूरा 14 साल के वन के लिए चले गए, कहाँ वो राजा बनने वाले थे और अब ये 14 साल के एग्जाइल में जाने वाले हैं। तो ये हो गया एक बिगिनिंग, जिस कहानी के अंदर सारे पात्र आ गए, कैसे कब पैदा हुए, क्या टाइम था, सब कुछ इसके अंदर आया। अब शुरू होता है इसका मिडिल पार्ट, जिस मिडिल पार्ट के अंदर सारा स्टोरी का ड्रामा आएगा। जो ड्रामा ये है कि वो वन में गए, वन में रहे, 13 साल बीत गए और फिर वहां पर सुपनसा पहुंची, सुपनसा का नाक और कान लक्ष्मण ने काटे, वो पहुंची रावण के पास और रावण आया वापस ब्राह्मण के रूप में और सीता जी को अगवा कर लेकर गया। फिर जटायु आए, जटायु का वध हुआ, आगे पहुंचे, फिर सुग्रीव के साथ उन्होंने अलायंस राम ने करी, हनुमान से मिले, सबसे मिलने के बाद सीता जी को ढूंढने का वो निकला और वो उन्हें पता चला कि सीता जी लंका में है, जिसके बारे में अब वो जान चुके थे कि वो लंका में है, लेकिन वो एक ऐसी जगह जाकर पहुंच गए थे कि जहां पर सिर्फ पानी ही पानी था, दूसरी तरफ जाने का कोई उपाय नहीं था। दैट वॉज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब क्या हो, यहाँ पहुंचने के बाद इतनी मेहनत करी, वहां तक पहुंच गए, अब आगे कैसे जाया जाएगा। तो ये हो गया उस मिडिल पाथ का एंड। The point of no return is there where Raman and everybody knows कि अब क्या करेंगे, हम आगे कैसे क्रॉस करेंगे। Then comes the end part, जहाँ पर नल नील को अपनी शक्तियों का अंदाजा हुआ, उन्होंने राम सेतु क्रिएट किया, फिर पूरी की पूरी सेना लंका पहुंची, वहां पर रावण का संहार हुआ, तो सीता जी को लेकर जब वापस आए, that was the conclusion of Raman। So ऐसा होता है कि किसी भी कहानी का फ्लो जनरली इसी तरीके से होता है। तो ये एक एक्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है, 5 एक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, पर जनरली 3 एक्ट स्ट्रक्चर को लोग फॉलो करते हैं, विच इज दिस एक्ट स्ट्रक्चर विद अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। इन द बिगिनिंग द टाइम प्लेस कैरेक्टर्स आर एडेड, फिर मिडिल के अंदर ऑल द ड्रामास एंड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कम्स, एंड इन द कंक्लूजन problem is solved, resolution has found and it has been concluded। So ये एक general act structure होता है जिसको हम use करते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से सारी कहानियों का जोड़ होता है।
अब हमें पता है कि कहानियां क्यों कहनी चाहिए, कहानियां क्या होती हैं, कहानियों का स्ट्रक्चर क्या है. अगर कहानियों के स्ट्रक्चर के बारे में या कोई और क्वेश्चन अब तक का हो वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आस्क मी. एनीबॉडी? ओके, सो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड. अब हमें एक्ट स्ट्रक्चर पता चल गया, अब हमें सब पता चल गया कि कैसे बनती है, क्या होता. अब देखो एक सिंपल सी चीज अगर हम लेकर देखें कि कोई भी कपड़ा है, बहुत सुंदर कपड़ा है, हमने लिया, बहुत सुंदर लगा, हमने उससे एक ड्रेस बनवा ली, ठीक है, हमें ड्रेस अच्छी लग रही है. लेकिन उस ड्रेस पर अगर हमने थोड़ा सा काम करवाया होता, उसको कुछ सजाया होता, उसका कुछ एम्ब्रॉयडरी कराई होती, तो उस ड्रेस को चार चांद लग जाते कि नहीं. तो यही चीज है कि हमें एक्ट स्ट्रक्चर, हमें पता है कहानी कैसे लिखी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमें सब पता है. लेकिन किसी भी कहानी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, ये इंटरेस्टिंग बनाने के अगेन पांच तरीके होते हैं जिसे कहते हैं टूल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. किसी भी कहानी को लिखने के लिए या उसको कहने के लिए, कहने का अंदाज अलग होता है, कोई भी कहानी हो वो किस तरीके से कही जा रही है जिससे कि वो इम्पैक्टफुल हो जाती है, ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें उस कहानियों को कैसे कहा जाता है. तो ये पांच तरीके होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है. पहला होता है भाव, भाव यानी इमोशंस, जो कि जिसके बारे में भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में बहुत ही सुंदर बात कही है. उन्होंने कहा है यथो हस्त तथो मन तथो दृष्टि, मतलब जहां हाथ जाता है वहां हमारी आंखें जाती हैं, और यथो दृष्टि तथो मन, जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारा मन जाता है. यथो मन तथो भाव, जहां मन होता है वहां भाव होते हैं, जहां मन जाता है, और यथो भाव तथो रस. तो जहां पर भी भाव होते हैं वहीं पर रस भी दिखाई देता है. तो जो रस है, किसी भी कहानी का रस, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो हमारे को हर कहानी के अंदर ध्यान रखना चाहिए कि रस होना बहुत जरूरी है, और रस भी कई प्रकार के होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रस के बारे में अगर हम कहानी लिखेंगे तो वो अच्छी होगी. कहानियां किसी भी रस में हो सकती हैं, और हर रस अपने आप में सुंदर है, अच्छा है और जरूरी भी है. हर रस अपने एक वक्त पर जिस रस को होना चाहिए वो उस रस को उस वक्त में होना चाहिए, नहीं है तो हमारे को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है हर रस इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में. जैसे कि सिंपल से रस में अगर लेने की प्रेम रस, तो जहाँ प्रेम की जरूरत है वहाँ प्रेम रस होना चाहिए. अगर जहाँ प्रेम की जरूरत है अगर वहाँ प्रेम नहीं आया तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी. तो प्रेम रस, जैसे करुणा रस, जहाँ करुणा की जरूरत है वहाँ करुणा होना चाहिए, और जहाँ रस की, जहाँ प्रेम की जरूरत है वहाँ प्रेम हुआ, जहाँ करुणा की जरूरत है वहाँ करुणा हुआ, जहाँ हास्य की जरूरत है वहाँ हास्य की भी जरूरत होती है. उस रस का वहां पर होना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि उस वक्त वहां पर शांत रस का होना होता है. और साथ में क्रोध रस या रौद्र रस कह सकते हैं, और वीर रस कह सकते हैं. तो इस तरीके से सारे रसों का जुड़ाव जब होता है तो एक अच्छे कहानी को रूप देता है. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी कहानी के अंदर एक सेंट्रल इमोशन होता है, यानी एक इमोशन होता है जिसके चारों तरफ वो कहानी रिवॉल्व करती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहानी सिर्फ एक रस पर बनती हो. अगर कहानी सपोजली वीर रस पर है तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर केवल वीर रस ही हो. उस कहानी के अंदर प्रेम रस, वात्सल्य रस, करुणा रस, भयानक रस कुछ भी हो सकता है साथ में. तो इन सारे रसों का अपने आप में बहुत
जरूरी पार्ट होता है। जिससे याद आए, एक पिक्सर ने एक मूवी रिलीज करी थी आई थिंक इन 2015, इनसाइड आउट करकर नाम है मूवी का, और उस मूवी में यही दिखाया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इमोशंस आर फॉर आर लाइफ। एब्सेंस ऑफ वन इमोशन कैन लीड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें बहुत ही प्यारा बच्चों के लिए बनी हुई एनिमेटेड मूवी है, लेकिन वो बहुत ही मेरे हिसाब से अगर आप लोग रसों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सबको जरूर देखनी चाहिए वो मूवी। बहुत ही प्यारे तरीके से उसके अंदर दर्शाया गया है कि कैसे हर रस का अपना रोल है और अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इन सब बातों को एक्चुअली मैंने एक्चुअली सारे इमोशंस के बारे में ही मैंने अपनी बुक लिखी थी, जो कि इमोशंस थ्रू द लेंस ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लिटरेचर मेरी बुक का नाम है। अगर आप लोग चाहें तो उसे अमेजोन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पेपर बैक वर्जन भी है। तो एनीवेज, तो ये हो गया एक रस के बारे में बात। देखना चाहे तो मैं दिखा भी सकती हूँ, वैसे ऐसी है मेरी बुक। तो ये हुआ रस, ये पहला पिलर हो गया हमारे टूल्स का जो कि किसी भी कहानी के अंदर होता है। दूसरा पिलर पर और दिखा सकते हैं? या श्योर, या दिस इज अ बुक। Thank you, ma'am. Welcome. Thank you. So I will send the link. I will send the link. So आप share कर दीजिएगा post को. You can send the link in chat box. They'll all directly click on that. Okay. Chat box में okay. I'll have to search that and then I'll send you. मैं मेरे question था. On the group, you please. I'll do that later. अभी चलिए, हाँ, in the WhatsApp group I'll do that. Share. हाँ, I'll share that. Okay, so अभी हम इसकी बात करते हैं पहले. तो एक question था मेरा. हाँ जी. मैम, लाइक जैसे आप वहाँ पे जब रस बता रही थी, तो जैसे एक जो पूरी स्टोरी होती है उसमें बहुत सारे रस होते हैं, लाइक कभी कभी हमें किसी को डराना होता है या फिर हंसाना होता है या फिर अलग अलग रस की स्विचिंग करते हैं। बट मैम, लाइक ये एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे? जैसे कई बार फ्लो में गड़बड़ हो जाता है कि हम अचानक हंसाने की बात कर रहे हैं एंड अगले ही इंस्टेंट हो सकता है रुलाने, ऐसी कुछ मतलब एक जस्ट अपोजिट रस की बात हो, तो वो स्विचिंग कैसे करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली ये एक आर्ट है, बिकॉज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। ये एक आर्ट है जिस आर्ट को हमें सीखना पड़ता है, और कोई भी चीज सीखने के लिए वी नीड थ्री थिंग्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ये बहुत बहुत वाइड कोर्स है जो आर्ट ऑफ, ये पूरा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का जो कोर्स है, इट इज अ वेरी वाइड, वेरी कह सकते हैं रूलिंग कोर्स होता है, जिसके अंदर स्पेशली ये नव रस के बारे में जो एक्सप्लेन किया जाता है कि जिसमें एक रस से दूसरे रस में इमीडिएटली आप कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। तो ये जी इस तरीके से जैसे कूदना आप जो कह रहे हैं, ये डेफिनेटली एक आर्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, बट देर आर एक्सरसाइजेज जो कि पूरे कोर्स के अंदर जब वाइड कोर्स होता है उसके अंदर कराई जाती हैं। उसमें डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप किसी भी आर्ट को मास्टर कर सकते हैं। किसी भी आर्ट को मास्टर करने के लिए यू नीड टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओनली देन यू बी एबल टू डू इट। एंड इट्स ऐसा नहीं कह सकते कि इट्स वेरी इजी, बट यस, अगर थ्रू द टाइम आप इसके अंदर अपने आप को ढाल लें, कोशिश करें, एक रस से रस में पहुंचना सीख पाएंगे इजीली। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस मैम, एब्सोल्युटली। एंड मैम, लाइक एक क्वेश्चन मेरा और है जो आई थिंक सही थोड़ा सा मैच करता है। जैसे मैम, लाइक आपने रस की बात की है, इन द सेम वे जैसे कई बार स्टोरी में होता है कि स्टोरी के जो स्टार्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है
वहां पे हम ये बता रहे होते हैं कि भाई कौन सा कैरेक्टर कहाँ से है या किस कैरेक्टर की कितनी रेलेवेंसी है स्टोरी के अंदर में. तो मैम लाइक जब हम स्टोरी को सुनाने लगते हैं तो कई बार क्या होता है कि किसी कैरेक्टर के ऊपर हम ज्यादा बात कर रहे हैं कम बात कर रहे हैं, तो इनके पार्ट्स को कैसे मैनेज करें. मतलब लाइक सब जैसे हम मूवी देखते हैं मैम, तो मूवी में क्या होता है कि जिसका जितना रोल होता है वो उतना दिखा देते हैं, उसको बड़ी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, बट एज अ स्टोरी टेलर ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है. नहीं डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअली वही कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी कहानी अगर आप सोचते हैं कि आपको कहनी है एज अ प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, अगर आप सोच रहे हैं कि आप कहीं कहने जा रहे हैं, तो एडवाइजेबल यही होता है उस कहानी को यू मस्ट राइट डाउन, पूरा लिखना पड़ता है, पूरी कहानी को लिखना पड़ता है. तो उसके जब हम लिखते हैं ना तब हमें समझ में आता है कि हम किस कैरेक्टर को कितनी स्पेस दे रहे हैं. तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि जानना कि हमें किस कैरेक्टर को कितनी स्पेस देनी है और किसकी कितनी रेलेवेंस है उसके अंदर, और किस पर ज़्यादा जोर देना है, किसको थोड़ा सा सब्ड्यू कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें लिखने पर आती हैं. फिर देन अगेन अगर आप जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, देन अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बगैर कुछ नहीं होता है. कोई भी कहानी जैसे आप सोचते हैं कि ये कहानीकार कह रहे हैं, जो स्टेज पर जाकर आप सुनते होंगे, तो वो सीधे जाकर कभी भी कोई भी सीधे परफॉर्म नहीं करता है. उस कहानी को वो पहले घर पर कम से कम 50 बार प्रैक्टिस कर चुका होता है, तब वो जाकर स्टेज पर परफॉर्म करी जाती है कोई भी कहानी. ये सिर्फ हम छोटे से स्टोरी टेलर्स के ऊपर ही लागू नहीं करता, ये सब पर लागू करता है. कि लाइक बड़े बड़े लोगों के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो अपनी स्पीचेस को लाइक उनका नाम भूल गई, मतलब कौन है ओके सभी लोग अपनी स्पीचेस को पहले प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. लाइक बराक ओबामा भी, उनकी भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनका भी मैंने पढ़ा था कि इवन ही यूज्ड टू प्रैक्टिस हिज स्पीचेस बिफोर. तो अगर कोई एक इतने बड़े लेवल पर जाकर भी अपनी स्पीचेस को, या स्पीचेस भी अगेन इज अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग राइट. कोई भी हम किसी को भी बोलते हैं कि ये भाई इतनी अच्छी स्पीच बोलते हैं, तो वो इतनी अच्छी स्पीच इसलिए बिकॉज ही इज अ गुड स्टोरी टेलर, दैट इज वाई हिज स्पीचेस आर सो इम्पैक्टफुल, कि हम उनकी बात मानने को तैयार रहते हैं. लाइक आप एग्जाम्पल के लिए आप हिटलर को लीजिए, हिटलर की स्पीचेस, वो ही वॉज सच अ ग्रेट ओरेटर, तभी तो उनकी उन्होंने जो भी कहा लोग मानने को तैयार थे, ये नहीं देखते थे कि क्या सही है क्या गलत है. हिज वर्ड्स वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. तो ऐसे ही सारे ही स्टोरी टेलर्स या ग्रेट पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हम फॉलो करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, वो इसीलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज दे आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर्स राइट. मैम आई हैव आल्सो वन क्वेश्चन. यस मैम, जैसे कि हम 50 से 100 लोगों को एक स्टोरी सुना रहे हैं सेम एक प्लेटफॉर्म पर, कभी कभी एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है कि कुछ ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो जाता है उस स्टोरी से, हमारी स्टोरी से एक पॉइंट पे. तो वो मतलब पूरा इंटरेस्ट थ्रू आउट द सेशन कैसे बना के रखें. ओके इसके लिए सिंपल यही है, अगर हम बेस्ट तो यह कहता है कि हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन सी द फेसेस ऑफ योर ऑडियंस. अब ऑनलाइन तो आपको नहीं पता कि कौन सो गया है अपना वीडियो ऑफ कर नहीं सो रहा है, तो यहाँ पर एक ये चीज़ नहीं आती है. लेकिन लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वी नो, तो जैसे ही हमें लगता है कि हमारा कोई ऑडियंस है जिसको शायद पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन कुछ ऑडियंस को पसंद आ रहा है, अगर कुछ को पसंद आ रहा है तब हम कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पर, क्योंकि हर चीज हर किसी को नहीं अच्छी लग सकती और हर तरीके की कहानी भी हर किसी को नहीं पसंद आती है, उस टाइम पर हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम कोई ऐसा कुछ हम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमें लगा कि ऑलमोस्ट सब लोग डल होते जा रहे हैं, तो हमें कुछ एक ऐसा ट्वीक लेकर आना चाहिए, कुछ ट्विस्ट या टर्न लेकर आना चाहिए जिससे कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो. या तो अपनी आवाज में चेंज लाइए, या कुछ बीच में एक जोक ऐड कर दीजिए, या कुछ भी करिए जिससे कि उनका इंटरेस्ट वापस से आप खींच सकें. दैट इज द ओनली ट्रिक.
पर अगर हाफ हाफ ऑडियंस दिख रही है देन यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज सबकी अपनी अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी अपनी लाइकिंग्स होती हैं, उस स्टेज पर हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर सब लोग डल हो रहे हैं या मैक्सिमम लोग डल हो रहे हैं तब डेफिनेटली हम उसके अंदर एक ट्विस्ट लेकर आते हैं जिससे कि वापस से उनकी इंटरेस्ट डेवलप होता है. I hope Russ is clear. आगे बढ़े. ओके तो रस के बाद थैंक यू. सो रस के बाद आता है दूसरा पॉइंट वॉइस मॉड्यूलेशन. एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है किसी भी कहानी को कहने के लिए. अब जब हम लिख रहे होते हैं तब हमें वॉइस मॉड्यूलेशन की कोई जरूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि लिखने में तो हम सिर्फ वर्ड्स लिख रहे हैं. लेकिन जब हम कह रहे होते हैं तब वॉइस मॉड्यूलेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है किसी भी कहानी के अंदर. क्योंकि हमें जब लिख रहे होते हैं तब हम लिखते हैं हरीश सेड सो एंड सो थिंग एंड देन मेघा रिप्लाइड सो एंड सो थिंग, राइट. हम लिखने में ऐसा लिख सकते. लेकिन जब हम उस कहानी को कह रहे हैं तो हम बार बार ये बात नहीं कह सकते कि हरीश ने ये कहा था कि मेघा ने उसका उत्तर ये दिया. ऐसा नहीं बोलते ना हम कोई भी कहानी को. तो कहानी को जब हम बोल रहे होते हैं तो हम खुद कैरेक्टर्स बन जाते हैं. तो हरीश के लिए हम एक कैरेक्टर बनते हैं जो कि हमारी एक वॉइस होती है, और मेघा के लिए हम दूसरा कैरेक्टर बन जाते हैं यानी कि दूसरी वॉइस होती है. अब हम वॉइस कैसे लेकर आएंगे? अब ये क्वेश्चन आता है कि दो वॉइस कैसे आएंगी या तीन वॉइस कैसे आएंगे? अगर हमारी स्टोरी में तीन कैरेक्टर है, पांच कैरेक्टर हैं, तो हम कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पर भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है जिसमें वॉइस को हम मॉड्यूलेट करते हैं. वॉइस मॉड्यूलेट एक होती है नोज से करी जाती है, एक आप थ्रोट से बोलते हैं और एक स्टमक से बोलते हैं. तीन तरीके से हमारी वॉइस निकलती है. तो या तो हम ये टूल्स को यूज करते हैं अपने तीनों स्टाइल्स को कहने के लिए, या हम उस कैरेक्टर को एक अलग कैरेक्टर दे देते हैं या अलग डायलेक्ट दे देते हैं या अलग स्टाइल दे देते हैं अलोंग विद कुछ. जैसे कि सपोजली एक कैरेक्टर है जो हमेशा ना सिर्फ जाते हुए बोलता है, तो वो जब भी बोलेगा तो वो सिर्फ जाने लगेगा, या वो कैप पहनकर बोलता है तो वो जब भी बोलेगा वो कैप पहन लेगा और हम उसका डायलॉग डिलीवर करेंगे. तो लोगों को पहली बार एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूसरी बार वो बात समझ में आ जाएगी कि ये कैरेक्टर जैसे ही कैप पहनता है कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है. आवाज में भी हम वैसे ही बदलाव लेकर आते हैं कि हम ऐसे कहें कोई वीर रस में बात करे या कोई कैरेक्टर ऐसा है, अरे भीरू क्या कर रहा है, कहाँ जाना है तुझे, मैं तो यही जा रहा था साहब, क्या काम है बताइए. ऐसे करके हम कैरेक्टर को अलग अलग आवाज देते हैं या उनका अलग अलग कैरेक्टराइजेशन करते हैं. तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है जिससे आप अगर, और वॉइस मॉड्यूलेशन सीखने के लिए मैं हमेशा से एडवाइस करती हूँ कि आप लोग एनिमेशन मूवीज को देखिए, एनिमेटेड मूवीज जो होती हैं, क्योंकि उसके अंदर आप अगर उनके वो देखेंगे एंड में जाकर क्रेडिट्स वगैरह, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो छोटी एनिमेशन मूवीज होती हैं उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. कैरेक्टर्स मूवी में हैं लेकिन जिन्होंने वॉइस दी होती है वो शायद एक या दो जने ही होते हैं जिन्होंने सारी वॉइसेस दी हुई होती हैं. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो अपने उस कैरेक्टर को एक अलग फॉर्म, अलग तरीके की वॉइस, अलग डायलॉग किसी भी तरीके से देकर उसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं. तो ऐसे हमें कहानियां कही जाती हैं. लिखने में हम कुछ और लिखते हैं लेकिन बोलने के लिए कहानी अलग तरीके से बोली जाती है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टूल हो गया रस, रस के साथ दूसरा टूल हो गया वॉइस मॉड्यूलेशन. तो रस ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी कैरेक्टर को कोई रस दिया, कोई हमेशा हास्य रस में ही बात करता है, कोई हमेशा शांत रस में ही बात करता है, तो इसमें वॉइस भी आ जाएगी और आपका रस भी आ जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. कोई क्वेश्चन हो रस के बारे में, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में? ठीक है, आप सी या चट्टान में तुम्हारे सैनिटाइजर मारी की कुछ मारी
कोई क्वेश्चन? साक्षी कुमारी, आई थिंक उनका वीडियो ऑडियो ऑफ ऑन हो गया है. ओके, तो वॉइस मॉड्यूलेशन में हर डायलेक्ट आ गए. एंड देन कम्स अ थर्ड टूल. थर्ड टूल इज योर बॉडी लैंग्वेज. हम किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं कहानी के तो अलग अलग कैरेक्टर्स हम सीधे खड़े होकर हम सिर्फ एक बार में पूरी कहानी नहीं बोल सकते. हमें उस कहानी के सारे पात्रों को दिखाना बहुत जरूरी है. ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सामने वालों को ये समझ में आए कि देखो ये कैरेक्टर एक बच्चा था या ये कैरेक्टर बड़ा इंसान था या ये कोई बूढ़ा इंसान था. तो सब तरीके से अलग तरीके से उसकी आवाज समझ में आनी चाहिए. तो वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर हो जाती है. हम थोड़े से वाइडर हो जाते हैं और हम अच्छे से स्ट्रॉन्गली बोल रहे होते हैं क्योंकि वो चेंज लाएंगे, कंपैशन लेंगे और फिर बोलेंगे. यहीं पर प्रेम रस आ जाता है तो वहां पर और डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज हो जाती है अकॉर्डिंग में. समझ में आया? आई होप यस. यस मैम. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, तो आप टूल है, ये थ्री टूल्स हो गए हमारे पास. रस, रिलेशन, बॉडी लैंग्वेज. नाउ कम ब्रेथ. कंट्रोल होता है कि भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो ओके. तो एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं. लाइक मैं फोर वर्ड्स देती हूँ आपको. आप ट्राई करिएगा ब्रेथ मतलब पॉज लेकर बोलने का कि जैसे हो गया रोको मत जाने दो. ये चार वर्ड्स हैं. इसको एक सेंटेंस में बोलना है तो कोई बोलकर बताएगा इसको? मैम ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो. एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने. तो इसके अंदर दोनों में आपने देखा वर्ड्स वही चार थे. दोनों तरीकों में बोलने में उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया. डिड यू गॉट दैट? हमने कैसे उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया विच इज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्टेक्स्ट. हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली हमने उस सेंटेंस को बोला. हो सकता है हम किसी को रोक रहे हो इसीलिए कह रहे हैं रोको मत जाने दो या गुस्से में बोल रहे हैं रोको मत जाने दो. सिंपल सेंटेंस एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग हुआ तो उसका मीनिंग चेंज हो गया. तो वी मस्ट ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा क्या मोटिव है, हमारा उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. कहीं हमने गलत पॉज लेकर हमने उस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज तो नहीं कर दिया कहीं. तो हमेशा याद रखो कहाँ पर सांस लेनी है हमें और कहाँ पर पॉज देना है. सांस लेने और पॉज लेने के लिए ये भी होता है इम्पॉर्टेंट कि भाई कभी हम बहुत लंबी स्पीच बोल रहे हैं, बहुत सारा कुछ है और हमने
अब क्या करें, सांस भी नहीं आ रही है लेकिन कंटिन्यूसली हम बोल तो नहीं सकते ना, तो उनके लिए हमें जरा सा ब्रेक देना होता है अपने आप को। तो हमने सांस ली, आगे का सेंटेंस बोला, लेकिन सांस भी सही जगह सांस लेनी है, कहीं रोको मत जाने दो में, कहीं रोको रोको मत जाने दो पर सांस ले ली तो हो गया गड़बड़ सारा खेल। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेथ एंड पॉज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन स्टोरी टेलिंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड फिफ्थ पार्ट आता है विच इज विजुअलाइजेशन। किसी भी कहानी को कहने के लिए या लिखने के लिए, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी सूट है अगर उसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करा ली तो वो और ब्यूटिफुल हो गया। कोई भी कोट है, हमने अच्छा सा शादी में जा रहे हैं कोट पैंट पहना है, हमने उसमें कफलिंग लगा लिए तो वो और फेस्टिव हो गया। तो बस ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कि वो चेंज होता है और वो सुंदर होता जाता है। तो विजुअलाइजेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि हम कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं जो कि ऐसा लगे सुनने वाले को कि वो उस चीज को देख रहा है खुद अपनी आंखों से, जबकि वहां पर कुछ नहीं है, एक स्टोरी टेलर है जो कोई कहानी सुना रहा था, लेकिन सुनने वाले को ऐसा महसूस हुआ कि वो सब कुछ उसकी मन की आंखों से वो पूरी की पूरी स्टोरी को देख पाया। तो दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि हमने उसके अंदर कितनी परत कितनी लेयर्स भरी है उस स्टोरी के अंदर जिससे कि वो स्टोरी इम्पोर्टेंट हो गई पूरी। कोई भी चीज के अंदर जैसे सिंपल सा हो गया कि एक हवा चली और एक पत्ती को उड़ा ले गई, बस सिंपल सी बात हुई, ये हमने ऐसे कह दिया। अभी इसी बात को हम दूसरी तरीके से कहें कि बड़ी सुहानी शाम थी और ठंडी ठंडी हल्की हल्की मधुर सी हवा चल रही थी और एक सर सी हवा का झोंका आया और देर से एक पीली नाजुक सी पत्ती को अपने साथ ले उड़ा। अब यहाँ पर एक ही चीज थी, बात एक ही थी लेकिन कहने का अंदाज अलग था। तो हो सकता है किसी को पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन इस कहानी के अंदर एक दूसरी लाइन के अंदर एक विजुअल क्रिएट हुआ जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि उस कहानी के अंदर और रस भी आ गया। तो ये पांच टूल्स हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए किसी भी कहानी को कहते वक्त। तो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसी के अंदर में एक अभी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी इस पर। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे हम जानते हैं कि आप प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, बट सोसाइटी में स्टोरी टेलिंग को आपका क्या व्यू है? आवाज चली गई थी बीच में, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। आई थिंक सो यू आर ऑन म्यूट। मैम मैंने बोला कि जैसे सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि स्टोरी टेलिंग एज अ प्रोफेशन नहीं है, तो मतलब इस स्टिग्मा को हटाने के लिए आपका क्या मेरी जर्नी? ओके, स्टोरी टेलिंग एज अ प्रोफेशन नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि स्टोरी टेलिंग तो हर जगह पर है। हम मूवी देखने जाते हैं, वो मूवी भी क्या होती है, एक स्टोरी टेलिंग ही होती है। और स्टोरी किसे पसंद नहीं होती, हर किसी को पसंद होती है। आजकल तो इतना ज्यादा, वैसे स्टार्टिंग में जरूर ये होता है जब हम शुरू करते हैं ये वाली जर्नी स्टोरी टेलिंग की, तो अगर हम किसी से बोलते हैं कि आई एम अ स्टोरी टेलर, तो सामने वाला सीधा यही पूछता है, अच्छा तो बच्चों को सुनाते हो कहानी? नहीं। फिर मेरा क्वेश्चन होता है, मेरा हमेशा से रिप्लाई यही होता है कि नहीं, आई डू स्टोरी टेलिंग फॉर अडल्ट। तो पहले एक बार को यूं देखेंगे, फिर उसके बाद जब वो कहानी सुनते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि कहानियां कभी भी सिर्फ
और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, कहानियां तो हम सबके लिए होती हैं। कहानियां हम दिन भर टीवी देखते हैं, दिन भर मूवीज देखते हैं, दिन भर यूट्यूब पर न जाने कितना कंटेंट देखते हैं, हम कितनी स्टोरी बुक पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एवरीवेयर इट इज अ स्टोरी, न्यूज़ सुनते हैं, इवन न्यूज इज अ स्टोरी, एवरीथिंग इज अ स्टोरी। कहीं पर भी देखें, कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ चीजें हमें क्लिक कर रही होती हैं, क्यों? बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ स्टोरी। तो ये बात जैसे ही उन्हें समझ में आती है, तब उन्हें लगता है कि हाँ यस यार, या स्टोरी टेलिंग इज कैन बी अ प्रोफेशन टू। और आजकल तो इट्स अ वेरी बिग थिंग इन टू कॉर्पोरेट, बिकॉज कॉर्पोरेट में बहुत ही ज्यादा यूज होती है स्टोरी टेलिंग, जो कि हमेशा से होती थी। नाउ दे हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरीज इन टू देयर बिजनेस, हाउ टू ब्रिंग स्टोरीज इन टू देयर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, how to bring stories into teachers ko samajh mein aaya, how to bring stories into their classroom, how to bring how to make their lessons interesting by bringing stories into them, by adding stories into those lessons. Like main bata sakti hu ki when I was in school, I had this English literature teacher, which she is the reason why she spiked those interest in literature into the entire class, into the entire school, into all the students whom she has taught ever. Because she was a great storyteller, she used to tell us stories while we were in class, though we never knew she was telling us stories. And then when we used to go back to our textbook, and then when we used to understood, okay, she was telling the story of this story. Like we had Shakespeare into Shakespeare language, Macbeth. So then she taught us Macbeth into Shakespearean language in a story format, and we never had to go back again to read it. Can you imagine? We gave our exams without mugging it up. She taught us so well. So that is the power of stories, because she used to tell her text, the lesson plans, into a story form, and we students never found she's teaching us. It's like, oh, she has come, oh, we are going to have a fun time. So that is the power of stories. You know, you can bring in stories into everything and deliver your message easily, very easily. So that was my journey too. Any other questions? Thank you. Good evening, ma'am. Yeah. Telling this much. Ma'am, मेरे मन में भी एक सवाल है, इजाजत हो तो पूछूं? हाँ जी, बिल्कुल। Yes, ma'am, story जब मतलब मैं कहता हूँ तो लोग उतने इंटरेस्ट के साथ, उतना रुचि लेकर नहीं सुनते हैं। दीप महेश्वरी या शर्मा या कोई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर सुनाते हैं, उनको मतलब अच्छे से रुचि लेकर सुनते हैं, लेकिन जो मैं सुनाता हूँ वही स्टोरी तो लोग रुचि लेकर नहीं सुनते हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब? मैं आपको एक बता सकती हूँ कि जो मैंने पहले बोला कि आप अपनी जो भी मोटिवेशनल स्टोरी शायद आप सुनाते हैं, तो आप अपनी स्टोरी को लिखिए, खुद लिखिए, पेन से लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेन से लिखिए, टाइप मत करिए, उसे लिखिए। जब लिखते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे थॉट्स शायद बहुत तेजी से घूमते हैं, जितनी तेजी से हम लिख नहीं पाते हैं, तो कई बार कुछ चीजें गायब हो जाती हैं। फिर हम जब उसे पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे यार, इसमें सेंस नहीं बन रहा, वी मस्ट ऐड समथिंग हियर, कुछ वर्ड्स। और फिर हम उसे एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, उसे एडिट करते हैं, तीन बार पढ़ते हैं, चार बार पढ़ते हैं। जब हम उसे 5-10 बार पढ़ चुके होते हैं, तब हमें एक तो वो कॉन्टेंट याद हो जाता है, और दूसरा उसको पढ़ने के बाद हमें उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स जो दिखाई दे रहे होते हैं, हम उन लूप होल्स को फिल कर सकते हैं। तो जब हमने ये सारा काम कर लिया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कि आप उसको प्रैक्टिस करिए। आप सीधे जाकर सीधे कहानी को कि हाँ मुझे कहानी पता है, मैं जाकर बोल दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करा जाता। हमें कहानी पता है तो हम उस कहानी को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए लोग अरे यार कौन देखेगा, क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिंपल, एक मिरर के सामने जाइए
और उस कहानी को बोलना शुरू करिए। मिरर को, मिरर में जो आप अपनी इमेज को देख रहे हैं उस इमेज को आप विजुअलाइज करिए कि आप वो ऑडियंस है, और ऑडियंस जो आपके एक्सप्रेशन है ना, वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं मिरर में से, उन एक्सप्रेशंस को भी देखने की कोशिश करिए कि जो आप बोल रहे हैं वो उतना इम्प्रेसिव हो रहा है कि नहीं, वो जो सामने वाले को उतना इम्प्रेसिव लग रहा है कि नहीं। इसी का ही दूसरा पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि उस कहानी को आप रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, जो भी चीज आप बोल रहे हैं उसको वीडियो रिकॉर्ड करें और खुद उसके क्रिटिकली एनालिसिस करें, उस वीडियो को खुद देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, उसे देखें, और जब उसमें आपको लगेगा कि हाँ जो आपने बोला वो आपको अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ी बात एक स्टोरी की ये होती है कि यू हैव टू बिलीव इन योर स्टोरी फर्स्ट। आपको उस स्टोरी में जब तक खुद बिलीफ नहीं होगा, आपको उस स्टोरी में खुद मोटिवेशन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप किसी दूसरे को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। तो दैट इज द की, किसी भी कहानी को आपने, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं उनकी इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो आप उनकी कहानियों को एक बार नहीं सुनिए, उन्हें बार बार सुनिए और उनको देखिए कि उनमें ऐसा क्या है जो आपको अच्छा लग रहा है। आप उसको 5 बार देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, हर बार मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, कुछ तो होगा उस कहानी के अंदर। तो उस चीज को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और फिर खुद बार बार उसको बोलेंगे तभी आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे अपनी स्टोरी से। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जवाब मिल गया। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम हमें इतना मतलब कहानी के बारे में बताने के लिए। मेरा मानना तो ये है कि कहानियाँ कभी अंत नहीं होती हैं, बस जनरेशन से जनरेशन पास होती हैं एंड देश के एक हिस्से को दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तो नाउ आई लाइक टू कॉल कोमल फॉर थैंक यू नोट। कोमल मैम फॉर कमिंग हियर, इट वॉज सच अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया स्टोरी टेलिंग के बारे में, लाइक स्टोरी टेलिंग कैसे नरेट की जाती है, क्या वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। और आपने एक और बात बोली कि जरूरी नहीं है कि कहानियां बड़ी ही हो, कहानियां छोटी भी हो सकती है, और उनसे जो हमें सीख मिलती है वो हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है तो ये बहुत छोटे छोटे मॉरल्स, बट इनसे हमें बहुत ज्यादा सीख मिलती है। तो थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम हियर। लेट्स एंड अप दिस वर्कशॉप हियर ओनली। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम।